कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासन रता कर्मेति मीमांसकाः सोयं नो विदधातु वांछित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः अस्तवैर् वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृशैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यम् ईशं हरिम् या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थितां वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखाम्भोज
वनहंस वधूर्मम मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानंच देहि मे अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कम्बुकंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यतां या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकितकुन्तलां भवानीं भवसंताप निर्वापणसुधानदीं यः कवित्वं निरातंकं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोभिर्जयिनां दशश्लोक्या सोश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ
तस्मान मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व आप मुझको बताओ। तो भगवान श्री राम बोले, हे हनुमान मांडूक्यमेकमेवालम मोक्षूणां विमुक्तये। जो जन्म मृत्यु के दुखों से मुक्त होना चाहता है, प्रबल इच्छा है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखे उसका नाम मुमुक्षु। और जन्म मृत्यु से और सर्व दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है। तो हनुमान जी ने कहा, जिसे जन्म मृत्यु से जीव छूट जाए वह तत्व बताओ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान राम ने कहा कि एक मांडूक उपनिषद उसके लिए पर्याप्त है, पूर्ण है। मांडूक उपनिषद सभी उपनिषदों से छोटी है और तत्व ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। थोड़े में ब्रह्म तत्व का ज्ञान बोध करा देती है। सो हे हनुमान सावधान मन से श्रवण करो, वही उपनिषद मैं तुमको सुनाता हूं। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं हि तद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सो अयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशत् मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्गैकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुसुप्तं सुसुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घनः एव अन्न आनंदमयो हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः।
एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानाम। यहाँ तक के मंत्रों पर कल तक विचार किया गया था। ओम ही ये चराचर जगत का स्वरूप है, ओम का ही ये सारा संसार विस्तार है। भूत भवत और भविष्य ये तीनों ओंकार के ही स्वरूप है, तीनों काल, और जो त्रिकालातीत है वो भी ओंकार है। ये सब चराचर जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। हमारा तुम्हारा आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, और सो अयम आत्मा वह ब्रह्म हमारी तुम्हारी सबकी आत्मा है। आत्मा परमात्मा का एकत्व है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वो परमात्मा अथवा हमारा तुम्हारा आत्मा चार पाद वाला है, चार चरण वाला है, अथवा चार रूपों वाला है। पहला पाद क्या है, उसका नाम विश्व है या वैश्वनर कहते हैं। वैश्वनर हमारा तुम्हारा पहला चरण है आत्मा का, उसका जागृत स्थान है और बाह्य ज्ञान है। सात लोक सात अंग हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 मुख हैं, और स्थूल भोग है, यही वैश्वनर नाम का प्रथम चरण है। और दूसरा चरण तेजस है, वो तेजस नाम है दूसरे हमारे तुम्हारे आत्मचरण का। उसका स्वप्न स्थान है और अंतःकरण में ही उसका संपूर्ण स्वप्न का ज्ञान है। सात अंग और 19 मुख प्रथम चरण के समान ही है। और प्रविविक्त भूख तैसो द्वितीय पाद, और सूक्ष्म भोग है तैयस नाम है, ये दूसरा चरण है। और तीसरा प्राज्ञ नामक चरण है, वहां पर जागृत स्वप्न का संसार नहीं रहता है। जागृत स्वप्न में भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, मन भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं। सुसुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों संसार लीन हो जाते हैं, इसलिए देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि वहां नहीं होते। देह इंद्रिय मन बुद्धि के बिना इन नाम रूप में सारा संसार भी कैसे दिखाई पड़ेगा। वो अवस्था एक कारण रूप है, प्रकृति रूप है, महामाया कारण शक्ति रूप है, इसलिए अलग अलग ज्ञान नहीं होता है वहां पर। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। सुसुप्त स्थान प्राज्ञ का स्थान सुसुप्ति अवस्था, एक ही भूता जागृत स्वप्न का संसार एक रूप हो जाता है। इसलिए जो अलग अलग ज्ञान होता है प्रज्ञान घना, प्रज्ञान भी घनीभूत हो जाता है, एक रूप हो जाता है। आनंदमयो ही आनंद भुक् चैतोमुख प्राज्ञ स्थिति, या आनंद की ही प्रचुरता होती है सुसुप्ति में, सज्जन केवल आनंद ही आनंद रहता है, आनंद का ही भोग होता है, क्योंकि सुसुप्ति में दुख नहीं होता है। ये दुख आदि धर्म मन के हैं,
संसार के विषय शोकों का सुख सुख और दुख, अनुकूल विषय मिलने तो मन सुख सुख मानता है और प्रतिकूल विषय माने तो दुख होता है। ये दोनों मन के धर्म है, पर सुसुप्ति में मन नहीं रहता है, कोई विषय नहीं रहते हैं, इसलिए मानस सुख दुख नहीं होते। और ये शरीर के स्थूल शरीर के जो दुख हैं वो रोग बीमारी आज के हैं, तो ये तन भी नहीं रहता सुसुप्ति में, इसलिए रोग बीमारी आज के भी कोई दुख नहीं होते, तो फिर आनंद ही आनंद होता है। कितना भी बेचैन हो जागृत में स्वप्न में और नींद आ जाए, सब दुख खत्म, आनंद ही आनंद है। नींद जब तू कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक नमन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। ये प्रकृति माता है, सारा संसार इस प्रकृति माता का पुत्र है, संतान है। तो निद्रा में स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सब निद्रा माता के गोद में सो जाते हैं। निद्रा माता की गोद में दुख नाम की चीज ही नहीं है, सुख रूप दूध सबको पिलाती है। राजा रंक नमन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। सबको बराबर सुख देती है, विषमता नहीं है माता के लिए, सभी पुत्रों में बराबर प्रेम, समान प्रेम करती। और जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इसी सुसुप्ति से होती है। सूक्ष्म उत्पत्ति स्वप्न है और स्थूल यह जागृत का जगत है, इसी को जगत कहते हैं। स्थूल जगत जागृत, सूक्ष्म जगत स्वप्न, और जगत नाम की कोई चीज नहीं है। सुसुप्ति माता है माने कारण है, और ये जागृत स्वप्न कार्य है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में लय हो जाता है और सुसुप्ति से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए इसी को कारण माया कहते हैं। जागृत स्वप्न कार्य माया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय बेतक माया मात्रम, ये तीनों कार्य कारण रूप माया मात्र। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत प्रकाशते तद ब्रह्म, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जो प्रकाशता है, देखता है, दृष्टा साक्षी है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो एक देव है, दृष्टा देव। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को देखने वाला, प्रकाशने वाला ब्रह्म। तद ब्रह्म अहम इति गात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते, जो जीव वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानता है। अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि श्रुति कहती है जो ब्रह्म है तत्त्वमसि, वही तेरा स्वरूप। तो श्रुति प्रमाण से ये जीव अपने को ब्रह्म रूप जानता है। अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा, वो मुक्त ही है हनुमान। वो चौथा चरण है हमारा तुम्हारा आत्मा का। अब चौथे चरण का वर्णन करते हैं।
नान्तः प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो भयतः प्रज्ञम् न प्रज्ञान घनम् न प्रज्ञम् न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। निषेध मुख से ये श्रुति हमारे तुम्हारे चौथे स्वरूप को वर्णन करती है, क्योंकि जो तीन से भिन्न होगा, तीन का दृष्टा होगा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीन अवस्था माया की हो गई, और इनका जो प्रकाशक होगा वो चौथा अपने आप सिद्ध होगा। जैसे तीन पुरुषों को गिन देने वाला चौथा पुरुष होता सिद्ध है, वो तीन से भिन्न ही होगा चौथा। ऐसे ये तीन अवस्थाओं को जो प्रकाशने वाला है वो चौथा पूर्ण पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म को पुरुष भी कहते हैं, प्रकृते परापुरुषा साकाष्ठा सा परागति। पुरुष इसलिए कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुषा, जो पूर्ण हो उसे पुरुष कहते हैं। किससे पूर्ण हो? सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम। सत्य से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, आनंद से पूर्ण और आदि अंत रहित हो उसको, ऐसे पूर्ण ब्रह्म को ही पुरुष कहते हैं। परंतु सात्मा सा विज्ञेया, जब वही हमारा तुम्हारा आत्मा है, स्वरूप है, तो आत्मा भी पूर्ण पुरुष है। तो पहले के जो तीन चरण है उनको निषेध करते हैं। नान्तः प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो भयतः प्रज्ञम् न प्रज्ञान घनम्। चौथे को बताने के लिए तीन का निषेध कर देंगे, जो शेष बचेगा सो चौथा बचेगा, क्योंकि उसको उसका निषेध किया ही नहीं जा सकता है। माया की तीन अवस्था और तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता है विश्व तेजस प्राज्ञ, इन्हीं का निषेध किया जा सकता है। तीन अवस्थाओं का निषेध किया जाता है और विश्व तेजस प्राज्ञ ये भी उसी ब्रह्म चेतन आत्मा परमात्मा के प्रतिबिंब मात्र है विश्व तेजस प्राज्ञ, इसलिए वो भी सत्य नहीं हो सकते। और ये तीनों अवस्थाएं उस ब्रह्म की एक छाया मात्र है, कोई छाया सत्य नहीं होती। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति छाया है और ये तीनों दृष्टा के जो भोग, तीनों अवस्थाओं के जो भोक्ता हैं वो प्रतिबिंब हैं। कोई भी प्रतिबिंब सत्य नहीं होता है, बिंब ही सत्य होता है। तो निषेध उन्हीं का हो सकता है जो सत्य ना हो, सत्य का निषेध किया ही नहीं जा सकता है। सत्य तो सदा है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वही चौथा स्वरूप ब्रह्म का या हमारी तुम्हारी आत्मा का है। तो तीन को निषेध करके उसको बता रहे हैं। नान्तः प्रज्ञम से तैजस का निषेध किया, न बहिः प्रज्ञम, न वो बहिः प्रज्ञ है माने विश्व का नहीं, वैश्वानर का निषेध किया। विश्व कहो या वैश्वानर कहो एक ही बात, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम। उभयतः प्रज्ञ का निषेध किया, दोनों का एक साथ निषेध किया। न प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घन वो प्राज्ञ था, सुसुप्ति अवस्था का स्वामी भोक्ता, उसका निषेध किया। न प्रज्ञान, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न वो प्रज्ञ है माने प्रतिबिंब रूप ज्ञान नहीं है,
और ना अप्रज्ञ है, अज्ञान रूप भी वो नहीं है। तो नांता प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न प्रज्ञान घन नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम। वो देखने में नहीं आता है, अदृष्ट है। अव्यवहार्यम किसी इंद्रियों के व्यवहार का विषय नहीं है। अग्राह्यम किसी हाथ पांव आदि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ना तो ज्ञान इंद्रियों का विषय है, आंख कान नाक आदि ज्ञान इंद्रियां, और न कर्म इंद्रियों का विषय है हाथ पांव आदि का। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम उसका कोई लक्षण नहीं है, लिंग नहीं है जो बताया जाए ऐसा है, चिन्ह नहीं है उसका कोई। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम चित्त का भी विषय नहीं है, चित्त के चिंतन में वो नहीं आता है, किंतु चित्त के चिंतन का भी प्रकाशक है, दृष्टा है, साक्षी है। चित्त क्या चिंतन करता है उसको वो देखता है, इसलिए अचिंत्यम। अधिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम वाणी का भी विषय नहीं है जो व्यपदेश किया जाए कि वो ऐसा है ऐसा है। अव्यवहार अलक्षण अचिंत्यम अव्यपदेश एका फिर उसमें क्या प्रमाण है, बोले एकात्म प्रत्यसारम उसका अपना जो ज्ञान है सदा तीनों काल में रहने का वो स्वयं प्रमाण रूप है कि अहम अस्मि मैं हूं, जागृत में मैं हूं। क्यों कैसे जाना जाए मैं जागृत में हूं, क्योंकि जागृत को मैं देखता हूं, स्वप्न में मैं हूं, ये मेरा अस्थिपना है। अस्थि इति सत्, स्वप्न को मैं देखता हूं ये मेरा चेतनपना है सचित, और सुसुप्ति में मैं हूं, सुसुप्ति को मैं देखता हूं, सुसुप्ति में मैं हूं इसलिए सत हूं, सुसुप्ति को प्रकाशता हूं इसलिए चेतन हूं। तो मैं स्वयं अपने रहने में मैं स्वयं ही प्रमाण हूं, और मुझ चेतन प्रमाण से ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं की सिद्धि होती, क्योंकि इन तीनों को तो ज्ञान नहीं है। माया जो है वो असत जड़ दुख रूप है, उसको ज्ञान नहीं है, जैसे छाया को ज्ञान नहीं है। तो छाया है कि नहीं है इसमें पुरुष ही प्रमाण हो सकता है, क्योंकि पुरुष चेतन है, देखता है अपनी छाया को, और जब छाया नहीं होती है उसके अभाव का भी वही प्रमाण है, क्योंकि छाया अपनी सिद्धि स्वयं नहीं कर सकती, कोई ज्ञानवान पुरुष ही कर सकता है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये माया है, ये छाया रूप है, और हमारा तुम्हारा आत्मा या परमात्मा का स्वरूप पूर्ण पुरुष ज्ञान रूप है। तो जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, ये रोज आती जाती है, जैसे छाया आती भी है, पुरुष में लीन भी हो जाती है, पुरुष से प्रकट भी होती, ऐसे ही ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन्हें को उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी कह सकते हो। स्वप्न में उत्पत्ति और जागृत में स्थिति और सुसुप्ति में प्रलय, ये नित्य प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ये सब प्रलय के स्वरूप है।
रोज जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है सुसुप्ति में नित्य प्रलय, किसी निमित्त से प्रलय होती उसको नैमित्तिक प्रलय होते। पृथ्वी जल वायु आकाश इनकी जब प्रलय होती उसको महाप्रलय कहते हैं, और जो कभी होते ही नहीं है हमारे आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में कभी ये संसार माया है ही नहीं, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। परंतु इन सब प्रलयों के दृष्टा साक्षी तो हम ही हैं ना, एकात्म प्रत्यय सारम प्रमाणम। आत्म प्रत्यय माने ज्ञान, अपने रहने में अस्तित्व में हम ही आत्मा ही प्रमाण है। प्रपंच उपशमम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इनको प्रपंच कहते, ये प्रपंच है नहीं अपनी आत्मा में। प्रपंचोपशमम, प्रपंचों का अत्यंत, जागृत स्वप्न सुसुप्ति का अत्यंत अभाव है अपने आत्मस्वरूप में, इसीलिए शांतम, शांत महासागर के समान आत्मा शांत है सज्जन। शिवम कल्याण स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, सुख सुंदु सुख स्वरूपम, कल्याणम मंगलम परम, परम कल्याण शिवम, शिवम कल्याणम, शांतम शिवम अद्वैतम। और एक अद्वितीय है आत्मा, दो नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, इसको चौथा माना गया है। तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक, तीनों अवस्थाओं से परे एक अद्वितीय दृष्टा साक्षी आत्मा, वो हमारा आपका आत्मा का स्वरूप। सब गया जीव को अपनी मुक्ति के लिए अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानेगा और देह इंद्रिय मन बुद्धि स्त्री पुरुष यही माने रहेगा शरीर अपने को, तो जन्म मरण के बंधन से कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि शरीर जन्मते हैं तो अवश्य मरेंगे। देह इंद्रिय मन बुद्धि होंगी तो रोग बीमारी काम क्रोध लोभ मोह का दुख अवश्य ही होगा, और यही मैं हूं ऐसा मानेगा तो दुखों से कैसे छूटेगा। इसलिए न स्त्री पमान व संडो व जीवा सर्वगत हो गया, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं न नपुंसक हूं, आत्मा तो सब में है और सबका प्रकाशक है। ये तो स्त्री पुरुष आदि शरीर माया रचित, जागृत स्वप्न तक रहते हैं, सुसुप्ति में ये नहीं रहते हैं शरीर। सात्मा सभी गया, तो जीव को अपने कल्याण के लिए अपनी आत्मा को ही जानना चाहिए। तरति शोकम आत्मवित, वही जीव शोक सागर को पार करता है, दुख सागर को पार करता है, जो अपने आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया है कि असली में मैं हूं कौन। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप भगवान राम ने हनुमान जी को निमित्त बना करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म बताया। अयम आत्मा ब्रह्मो सो अयम आत्मा,
उल्टा पलटा के आत्मा को ब्रह्म बताया और ब्रह्म को आत्मा बताया। ये सज्जनों हमारा आपका चौथा स्वरूप है और ये तीन स्वरूप माया के विश्व तेजस प्राग जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन्हीं में तीन शरीर भी आते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। इन्हीं तीन शरीरों में पांच कोष भी आते हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोष है, पांच कर्मेंद्री पांच प्राण ये मनोमय वो प्राणमय कोष, पांच ज्ञानेंद्री एक मन ये मनोमय कोष कहलाते हैं, यही पांच ज्ञानेंद्री एक बुद्धि विज्ञानमय कोष कहते हैं। स्वरूपा ज्ञानम आनंदमय कोष तत्कारणम शरीरम, अपने स्वरूप को न जानना ऐसा जो अज्ञान है उसको कारण शरीर या आनंदमय कोष कहते हैं। तो तीन शरीर तीन अवस्था पांचों कोष ये माया राज्य में है और इन सबके प्रकाशक हम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं कभी, वो तो नित्य मुक्त ही है, दुख है नहीं जो निवृत्ति की जाए, वो तो आनंद सिंधु है। अज्ञान है नहीं जो ज्ञान दिया जाए, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। तो गुरु या वेद जीव अपने को जानता नहीं है तो उसके स्वरूप को बता देते हैं केवल कि तू ज्ञान स्वरूप है ही भाई, आनंद स्वरूप है ही और तेरी मृत्यु नहीं होती है। तो उपनिषद या गीता सुना सुना करके संत महात्मा लोग हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते न जाए थे मृतवा कदाचित, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है, तुझे मृत्यु नहीं है तो निवृत्ति क्या की जाए, वो नित्य निवृत्ति ही है। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति यही वेद शास्त्र गीता आदि बताते हैं, उपनिषद में बताते हैं और गुरु इन्हीं को सुनाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। जो वेद कहता है वो परम प्रमाण है क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है और गुरु लोग वही ईश्वर की वाणी सुनाते हैं, इसलिए गुरुओं की संतों की कोई बौद्धिक कल्पना नहीं है, ध्रुव सत्य है। और फिर अपने अनुभव प्रमाण से बारंबार मिलाना चाहिए वेद वाक्य को कि मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता है। तो श्रुति युक्ति और अनुभूति से इस ज्ञान को पक्का करना चाहिए। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्मात्मना कुछ दाभाषता प्राप्त स्वाध्यास अपनयम को। श्रुति युक्ति और अपनी अनुभूति से ये जो अध्यास रूप जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि माया दिखाई पड़ रही है इसका अपनयन करना चाहिए, माने इसको हटा देना चाहिए, इसको निराश कर देना चाहिए, निवृत्त कर देना चाहिए। आदि में हम हैं, आत्मा है, अंत में आत्मा है, मध्य में आत्मा है और ये जो दृश्य दिखता है इसको अध्यास कहते हैं, इसी को भ्रम भी कहते हैं, इसी को माया भी कहते हैं। आदावंती ची अन्नास्ती वर्तमाने भी तत्त्वतः, उत्पत्ति के पहले ये संसार नहीं है, ये शरीर उत्पत्ति के पहले नहीं है
निधन के बाद में भी नहीं रहते। तो जो आदि अंत में नहीं होते तो बीच में कहां से आएंगे सज्जन? तो जो बीच में दिखाई पड़े तो निश्चय ही माया जानना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।